एक बात कहूँ क्या इजाजत है तेरे बात कहूँ क्या इजाजत है तेरे इश्क की मुझको आदत है तेरे इश्क की मुझको आदत है बेटे ओ बेटा माज कर दी हाँ माज कर दी वाह बेटे वाह अरे वाह शेर हुआ तुम तो अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। अरे भाई ओ किसी ने जाने की शॉट मारा क्या पूरा पत्थर के पीछे हाँ आई बगा जा रहा था पढ़ने सजा रहा था बस्ता सानिया तेरी याद में भूल गया रास्ता। तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब देखो आज हमारे साथ काफी दिनों के बाद सानिया जी खेल रही हैं और आपको पता ही होगा कि सानिया जी जब भी मेरे साथ खेलती हैं तो गलत सीन दबा दबा के होते हैं। तो आज इस मैच में तुम्हारे भाई के साथ बहुत सारी उदबलाए हरकतें होंगी और मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं इस मैच में मौत को छू के टक्के से वापस आया हूं। तो वीडियो को पूरा देखना काफी मजा टाइप का आएगा। पर फिलहाल हम उतरे थे सेवरनी और यहां पे कोई भी नहीं उतरा था तो हम लोग गाड़ी उठा के सीधा रोजो की तरफ आ जाते हैं और यहां आते ही मुझे इस घर से गोली चलने की आवाज आती है तो मैं एक बम बबूला करता हूं और देखो इससे क्या होगा। बंदा जी में वॉच आउट और भैया मानो चाहे ना मानो बंदा बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था तो चाचा पट्टी लगा ही रहे थे तभी मैं निंजा टेक्निक करता हूँ लेकिन मैंने ग्रेनेड किया। अरे नॉक को सीधा फिनिश करो वरना किल हो जाती है चोरी और हरियाणे में गोलियां चल रही ज्यादा सेक्सी हो रही गाना है ये। तो यार यहाँ पे सानी जी अपने बम्बूरे से एक बंदे को निपटा देती हैं लेकिन उतना ही मुझे गाड़ी की आवाज आती है। यार मैं इससे तो बात करनी थी। हमारी गाड़ी लेकर भाग गया और ये बंदा जैसे ही भागता तो मैं इसका पीछा करता हूँ लेकिन एक और एक आया फौजी मेरे पास फौजी 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 अरे बोले ऊपर दो और हैं ऊपर दो और हैं मिलते कल तानिया भागो तुम्हारे पास आया। और मजाक नहीं कर रहा हूँ भैया मैं खुद ही अपनी किल चुरवा रहा हूँ यार क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो सानिया जी के पास आया है वो बोरदादा है पर एक्चुअल में वो रियल बंदा होता है। अरे वापस भाग जाओ तुम वो रिवाइव कर देगा। अरे ओके घुमा फिरा कर बात करना मुझे आता नहीं एक तेरे सेवा और कोई मुझे भाता नहीं काहे चुरा रही हूँ यार मेरी किल। अब देखो आपको पता ही है कि लड़कियाँ मेरी बहुत बड़ी कमजोरी हैं और सबसे बड़ी कमजोरी लड़कियों में यही है इसलिए भैया थोड़ी बहुत झेल ले रहे हैं यार लेकिन आगे अगर चुराई तो कमजोरी की लिस्ट से अलग हो जाएगी। फिलहाल रोजोक में जितने भी बंदे होते हैं उनकी पेटी तो हम बना देते हैं पर उतना ही में स्कूल अपार्टमेंट से एक गाड़ी आती है। तो यहाँ एक बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ और उसके बाद पट्टी लगाता हूँ लेकिन भैया बंदे सप्रे बहुत अच्छा कर रहे थे तो दिमाग से निपटाना पड़ेगा यार। बहुत सही बोट है रे जैसे माँ बाप की डांट पड़ना लगती है हमें बड़ी प्यारी बना के बर्फ की दीवार तेरी स्क्वाड खा जाऊंगा सारी देखो कैसे। गजब ऊपर बोर्ड भी है नॉक वाला अरे फैबुलस
अब देखो फाइनलिस्ट टीम की पेटी तो मैं बना देता हूँ, पर मैं आपको सच बताऊँ तो कल भैया एक लड़की ने मुझे एक शायरी भेजी थी, तो मैं वो शायरी आपको सुनाना चाहता हूँ यार, तो सुनो जरा आप भी। सुबह वीडियो देखते देखते पीती हूँ चाय, फौजी की शायरी सुन के मुँह से निकली हाय हाय। और इसके बाद भैया उसने लिखी थी, बहुत सस्ती है झेल लेना पहली बार बनाई हूँ, तो झेल ली है तुम्हारी शायरी। और वैसे वैलेंटाइन डे है, कुछ और भी बोलना चाहती तो बोल देना प्लीज। फिलहाल देखो रोजो पूरा खाली हो जाता है, तो हम लोग यहाँ से लूट लट करके सीधा मिलिट्री बेस की तरफ निकलते हैं, क्योंकि मिलिट्री बेस में एक फ्लेयर चली थी, पर हमें नहीं पता था कि बीच रास्ते में ही कुछ कांड होने वाले हैं। देखो यार आप भी, एक और एक फ्लेयर चली है क्या पे चली है। ये बड़ा बंदा क्या तो सामने की तरफ एक बंदा निंजा टेक्निक करके ब्रिज के ऊपर चढ़ रहा था, पर हमें देखते ही वो आगे जाके छुप जाता है। पर भैया ऊपर बर्फ की दीवार बनी है, यानी कि एक बंदा तो डेफिनेट ऊपर होगा, तो उसे ढूंढने में आगे की तरफ जाता हूँ। तभी अरे गोली का रह गया मारू, अरे ये लेटा गया ही पीछे। बढ़िया सानिया जी मेरे को बचाओ। नहीं आई 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 बिल्कुल नहीं। बहुत पुरानी हो गई। दूर है सूरज पास है पानी, अपनी मम्मी से पूछ के बनेगी मेरे बच्चों की नानी। तो यार फाइनली दो बंदों की पेटी तो मैं बना देता हूँ, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं ऐसी वाली शायरी क्यों मार रहा हूँ। तो देखो वैलेंटाइन डे आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि भैया मेरी शायरी से किसी का भला हो जाए, क्योंकि ये दिन मेरे से भूले नहीं भूलता यार। एक बार मैंने भी किसी लड़की को प्रपोज किया था, तो उसने उस दिन क्या की थी मेरे साथ जरा शायरी में सुनो। फौजी गेम में करता है स्कोर से ताता थैया, वैलेंटाइन डे के दिन राखी बांध के उसने कह दी थी मुझे भैया। तब से लेके आज तक भैया वैलेंटाइन डे से नफरत हो गई है यार, सबसे ज्यादा बुरा दिन है मेरे लिए। खैर उन बंदों की पेटी बनाने के बाद मैं सरकारी ड्रॉप में आता हूँ, और सरकारी ड्रॉप में मुझे मिलती है जनरेटर, तो इसको लूट के मैं निकलने लगता हूँ। पर उतना ही में एक गाड़ी की आवाज आती है। गाड़ी गाड़ी और भैया गाड़ी से धुआं निकल गया था यार। तो हम लोग फटाक से बैठते हैं और उस गाड़ी का पीछा करते हैं, और यहाँ आके वो गाड़ी हमको दिखती है। पर भैया बंदा हमको कहीं भी नहीं दिखता, हम लोग कम से कम 5 मिनट तक उसको ढूंढते हैं, और हमारी गाड़ी का ईंधन भी खत्म हो जाता है। तो मैं बोलता हूँ कि भैया पैदल पैदल पोचंकी की तरफ निकलो, पर उतना ही में ये सीन होता है। कहाँ मारोगे ऐसे नूबड़ों को? हेलीकॉप्टर कर रहा था भाई। मैं तुझमें खोया तू मुझमें खोजा, बेटा पंगा मत लेना मेरे हाथ में है ग्रोजा। तो यार ये बंदा यहाँ पे आके सांप बन चुका था, और भैया सांप का चक्कर मौत से टक्कर आपको तो पता ही होगा यार, लेकिन हाथ में ग्रोजा थी इस वजह से मुझे पाप नहीं पड़ता। अगर और कोई सी गन होती तो अभी मेरी व्यवस्था बन गई होती। फिलहाल इनकी पेटी बनाने के बाद हम लोग लूट लाट करके पैदल पैदल सरकारी ड्रॉप में आते हैं, और यहाँ आते ही मुझे एक गाड़ी दिखती है। कार 98 कहाँ चल रही है ये इतनी सही जोन में? कहाँ? और इस स्प्रे के लिए एक लाइक तो बनता है यार, तो लाइक के काले बटन को ठोकना मत भूलना। गाड़ी के पीछे, गाड़ी के पीछे। गजब, एक गाड़ी के पीछे। मैं मार दूँ इसको? नहीं। अरे गाजा बोलते भाई साहब यार। तू मेरे बच्चों की बनेगी दादी, और मैं भी बनूंगा दादू। एक स्प्रे में दो दो बंदे नॉक कर दे, फौजी की ग्रोजा में है वो जादू। तो यार यहाँ पे एक बंदा सोया हुआ था और एक बंदा बैठा हुआ था, एक ही स्प्रे करता हूँ और दोनों की भैया पेटी बन जाती है। तो इस बात में एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, तो सब्सक्राइब के लाल बटन को ठोकना मत भूलना। फिलहाल देखो इनकी पेटी टी लूट लाट करके मैं आगे जाता हूँ, और इनकी पेटी से मिल जाती है मुझे AWM। तो अब आपको धोखे से हेडशॉट देखने जरूर मिलेंगे। तो सीन ये होता कि आगे की तरफ एक गाड़ी खड़ी होती है, तो मैं चेक करने जा ही रहा था, और तभी बंदे बंदे वो ऊपर ऊपर है।
स्नाइपिंग करो स्नाइपिंग। यहाँ रुको यहाँ। Marked a location। यहाँ। एक और एक यहाँ पे बग्गी के साथ आ रहा है बग्गी। देखो यहाँ पे देखो मेरे से। Enemies ahead। तो यार यहाँ पे एक बंदे को मैं AWM से नॉक तो कर देता हूँ, पर भैया मेरी किल चोरी हो जाती है क्योंकि आगे की तरफ एक और टीम होती है जो कि अचानक से इन बंदे के ऊपर रश करती है और दोनों बंदों की पेटी बना देती है। और वैसे ही भैया किल मेरे बहुत कम थे तो जल्दबाजी में एक और गलत सीन हो जाते हैं। देखो यार आप भी वो बग्गी वाला वही है, वो रहा वोल के पीछे, वोल के पीछे बर्फ की बता। ओपन में आया बहुत जहर। लड़कियां सुंदर दिखने के लिए इस्तेमाल करती हैं क्रीम। फौजी ने ग्रोजा से निपटा दी ये वाली भी टीम। अब निपटा तो दी थी भैया, पर यार यहाँ पे दो दो बंदे नॉक पड़े थे। अगर मुझे पता होता कि दो बंदे नॉक है तो पहले मैं उनको मारता फिर उस बंदे को निपटाता, पर यार जल्दबाजी में थोड़ी गलत सीन हो जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, 20 के पार फिर भी करेंगे। तो सीन ये होता कि हम आगे जाते हैं और यहाँ पे एक सरकारी ड्रॉप गिरा होता है तो मैं इसको लूट ही रहा था। और तभी अरे भाई किसी ने रैली में हेडशॉट मारा क्या? वो रहा पत्थर के पीछे। हाँ भाई वो गजब, जैसा करेगा वैसा ही पाएगा और करना मत मेरे सामने पीक वरना हेडशॉट ही खाएगा। तो यार यहाँ पे एक बंदे को तो मैं नॉक कर देता हूँ, पर अगर आपने ध्यान से देखो तो उस बंदे की पेटी तुरंत बन गई थी। और ऐसा क्यों हुआ ये तो मेरे पल्ले के बाहर है, हो सकता है भैया टीम अप किए हों। फिलहाल देखो अभी एक बंदा और बचा है तो मैं लेफ्ट से फ्लैंक करता हूँ और देखो यार उसको कैसे निपटाता हूँ। रानी जी बर्फ की दीवार बना लेना ठीक है कवर। वो सामने हाँ ये गजब। भारत में जब से आया है पबजी तब से फौजी मचा रखा है कहर। भाई लोग आज बिना बोले ही कर देना चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड दोस्तों को शेयर कर देना यार, दिल मत तोड़ना। 7 लाख के बहुत करीब हूँ मैं। फिलहाल इन बंदों की पेटी बनाने के बाद अब एक लास्ट बंदा बचा है तो क्या मैं उसे भी AWM का हेडशॉट मार पाऊंगा, जानने के लिए देखते रहिए फौजी सीजे गेमिंग। कहाँ है जोन में से आ जाएगा? अच्छा वहाँ पे दो रनिंग हेडशॉट है पिछवाड़े पे। अरे लगा अरे जब मेहनत तो करो हर मंजिल मिल जाएगी और जिसे करते हो प्यार वो भी भागी चली आएगी। तो यार फाइनली इस बंदे को मैं निपटा देता हूँ और इसी के साथ हो जाता है चिकन डिनर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना और साथ ही इंस्टा में फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जाते जाते आज आपसे एक बात कहूंगा, किसी की तकदीर में एक भी गम नहीं होता अगर तकदीर लिखने का हक माँ का होता। तो बस भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं कौन वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत जय माता दी।